खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस दिन का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों का भी था। 15 अगस्त के दिन देखिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो सलामी लेकर अभी परेड की वापस जा रहे हैं। और इधर देखिए ये जय घोष, देखिए भारत माता की जय के नारे लगाकर जो है लोग जो है स्वागत कर रहे हैं। हमारे पीएम मोदी जी ने, मैं उनको बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि जो 370 रिमूव किया है उसकी खुशियों के लिए। मैं यहाँ फौजी भाइयों को राखी बांधने के लिए आया हूँ, यहाँ के कश्मीरी के भाई बहनों के साथ मैं रक्षाबंधन मनाने आया हूँ और तिरंगा ध्वज फहराने के लिए आया हूँ मैं। श्रीनगर का यही माहौल था। अब उन लोगों से मिलिए जिन्होंने इस स्टेडियम में आजादी के जश्न पर कार्यक्रम किया था। बहुत ही खुश नसीब हूँ जब मुझे इस कार्यक्रम को करने का मौका मिला और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। बस सर, यहाँ पे आके बहुत ही मजा आ रहा है और हमें परफॉर्म करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। यहाँ पे परफॉर्म किया आपने? हमने अभी कल्चर प्रोग्राम परफॉर्म किया। भारत माता की। स्टेडियम के अंदर भी भारत माता की जय हो रही थी तो बाहर भी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के प्रावधान हटने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस है और ये स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर शेरे कश्मीर स्टेडियम में श्रीनगर के मनाया गया। शेरे कश्मीर स्टेडियम के बाहर से ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस का इंतजाम है। दिल से मानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और ये जो तिरंगा है ये हमें एक बनाता है। आज 370 हटने के बाद ये तिरंगा पूरे कश्मीर में लहरा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न सिर्फ कश्मीर में ही नहीं मन रहा बल्कि लद्दाख में भी ये स्वतंत्रता दिवस बहुत खास था। लद्दाख के लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस दोहरी खुशी लेकर आया, इसीलिए यहाँ के सांसद जेमयांग सेरिंग अपने लोगों के साथ खूब नाचे। और फिर उनके बीच बैठकर लद्दाखी ढोल भी बजाए। हकीकत खुशी जो है, नाच गान आंखों की खुशी शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते कितना खुशी लद्दाख के वासियों में है। बिल्कुल कम नहीं होगा, अभी तो हाई जोश पे चल रहा है।